Hello children, welcome to online class. Now today we will learn the rest part of the lesson Motions of the Earth, class 6, Geography. Children, in the previous video we already learned about types of motion, rotation and revolution, circle of illumination, orbital plane and facts of leap year. Now today we will discuss the topics seasons according to the earth revolution. Summer solstice 21st June and winter solstice 22nd December. Now today's second topic is equinox 23rd September and 21st March. We will discuss and try to understand about these two topics in this video. So let's start the lesson. Hello children, welcome to online class. Today we will continue the third lesson of class 6 geography, motions of the earth. From the figure 3.3, it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Look at the figure 3.3. In this figure, we can see that the earth going around the sun in an elliptical orbit. Means, इसमें हम देख सकते हैं कि जो earth है, वो sun के चारों ओर घूम रही है, लेकिन उसकी जो orbit है, वो circle ना होके elliptical. Elliptical means, अंडे के आकार जैसी इसकी क्या है? Orbit होती है, इसका रास्ता होता है, जो ये sun के चारों ओर घूमती है. Notice that throughout its orbit, the earth is inclined in the same direction. इसमें हम देख सकते हैं कि पूरे सीजन में क्या होता है, पूरे साल भर या पूरे सर्कल में या पूरा जो उसकी ऑर्बिट है, अर्थ जो है वो इंक्लाइन झुकी हुई है एक ही डायरेक्शन में. मीन्स सारी जगह हम देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन के लिए अर्थ क्या है, झुकी हुई है. अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन. सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोर्शन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. एक जो साल होता है वो यूजुअली डिवाइड होता है, उसमें फोर मेन सीजन होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन. और ये सीजन जो चेंज होते हैं, वो चेंज इसलिए होती है क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी पोर्शन सन के चारों ओर अपनी चेंज करती है. जैसे यहाँ पे नॉर्थ साइड पे आ गई, यहाँ पे वेस्ट साइड पे, यहाँ पे आपके साउथ में और यहाँ पे ईस्ट साइड में. तो जो सीजन्स होंगी वो भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ईस्ट में विंटर सीजन है तो वेस्ट में क्या होगा, समर सीजन होगा. नॉर्थ में अगर स्प्रिंग है तो साउथ में क्या होगा, ऑटमन सीजन होगा. Look at the figure 3.3, you will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. Yani hum agar figure 3.3 ko dekhenge, to isme hum dekh sakte hai ki 21st June ko jo hai, wo jo aapki west wali side hai, wo sun ki taraf kya hoti hai, tilted means jhuki hui hoti hai. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. और जिसकी वजह से जो सन की रेज हैं वो Tropic of Cancer पे सीधी गिरती है. Tropic of Cancer जो 23.5 degree पे सिचुएटेड लाइन है अर्थ की, उस पर सीधी गिरती है. As a result, these areas receive more heat. जिसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्थ वाला जो हमारा अर्थ का पार्ट है वो ज़्यादा हीट रिसीव करता है. द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. लेकिन जो पोल के जो एरियाज होते हैं, यानी अर्थ के जो पोल वाली साइड होती है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल वाली, वहाँ पे जो सन रेज है वो स्लैंटिंग गिरती है, इसलिए यहाँ पे सनलाइट कम मिलती है. द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फ्रॉम अबाउट 6 months. और जो आर्कटिक सर्कल से नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या करता है, पूरी लाइट उसको मिलती रहती है 6 months तक. सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. क्योंकि ये जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो 6 महीने तक सन की पूरी लाइट लेता है, इसलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर पे इस टाइम पे क्या होता है, समर सीजन होता है. द लॉन्गेस्ट डे एट द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21st June. यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात वाला जो दिन होता है वो हमारा 21st June को होता है. एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स. लेकिन तब क्या होता है, जो सदर्न वाला जो हेमिस्फीयर है उस पर क्या होती है, उस पर सदर्न वाले हेमिस्फीयर पे सारी कंडीशन क्या होंगी. अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर पे समर सीजन है
तो सदर्न वाले हेमिस्फीयर पे क्या होगा, इस टाइम पे विंटर सीजन होता है, क्योंकि 6 मंथ तक जो सनरेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कंटिन्यू गिरती रहती है, और ये पार्ट जो है वो मैक्सिमम हीट क्या करता है, लेता है, मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, और जो सदर्न वाला जो पार्ट है वो सन से दूर रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे विंटर सीजन होता है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स इन द विंटर सीजन, और फिर सदर्न वाले पार्ट में उस टाइम पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, लेकिन सदर्न वाले पार्ट में क्या होगा, रातें लंबी होंगी और दिन क्या होंगे, छोटे होंगे, जबकि नॉर्थ वाले पार्ट में क्या होगा, जब हमारे यहाँ समर होता है तो हमारे यहाँ क्या होते हैं, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस, और इस पोजिशन को कहा जाता है समर सोल्स्टिस। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एट द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड्स इट्स। अब क्या होगा, दिसंबर में क्या होता है, जो अर्थ होती है उसका जो साउथ वाला पार्ट होता है वो सन के सामने आ जाता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो मैक्सिमम हीट क्या करती है, रिसीव करती है, वो साउथ वाला जो पार्ट होता है वो सन के सामने टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इससे क्या होता है, जो सन की रेज है वो वर्टिकली कहाँ गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री साउथ में सिचुएटेड है वहाँ पर गिरती है। अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, इसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर का बहुत बड़ा पोर्शन लाइट रिसीव करता है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और इसकी वजह से क्या होता है, दिसंबर में वहाँ पर समर सीजन होता है, जब हमारे नॉर्थ साइड में विंटर सीजन होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे समर सीजन होता है। विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, वहाँ पे दिन लंबे होंगे और रातें क्या होंगी, छोटी होगी। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, लेकिन जब साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर पे जब क्या होगा, समर सीजन होगा, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे उस टाइम पे विंटर सीजन होगा, क्योंकि जो कंडीशन है वो रिवर्स होती रहती है। अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर पे समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीजन होगा, अगर विंटर हेमिस्फीयर पे समर सीजन है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे समर सीजन होगा। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस, और इस पोजिशन को कहा जाता है विंटर सोल्स्टिस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, क्या तुम जानते हो कि जो क्रिसमस का सीज़न है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, जब यहाँ पे क्या होता है, विंटर सीज़न। लेकिन उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर पे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड है हमारी अर्थ पे, तो वहाँ पे जो क्रिसमस है वो वहाँ पे समर सीज़न में मनाया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड September 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, ये टू डेट 21 मार्च एंड 23rd को क्या होती है, जो सन की रेस है वो इक्वेटर यानी द लाइन डिवाइड द अर्थ इन द टू पार्ट, वो लाइन जो अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो 21 मार्च को और September 23rd को जो सन की डायरेक्ट जो सन रेज है वो इक्वेटर पे सीधे गिरती है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, ऐसी कंडीशन में कोई भी पोल, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल क्या होता है, सन की तरफ टिल्टेड मतलब झुका हुआ होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट इक्वल नाइट्स, इसलिए क्या होता है, पूरी अर्थ में रात दिन इन दो डेट को क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सदर्न में भी और नॉर्थन हेमिस्फीयर पे। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, इसलिए इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। सो चिल्ड्रन, समर सोल्स्टिस होता है 21 जून को, विंटर सोल्स्टिस होता है 22 दिसंबर को, एंड इक्विनॉक्स हमारे टू डेट हैं, 21 मार्च एंड September 23rd। ऑन 23rd September इट इज़ ऑटोमन सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 23rd September को क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर जिसमें हमारा एशिया सिचुएटेड है वहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑटोमन सीजन होता है, ठीक है ना, एंड स्प्रिंग सीजन इन, और लेकिन 23rd September को सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो जाता है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। द अपोजिट इन द केस ऑन 21st December द अपोजिट इन द केस ऑन 21st March। फिर 21st March को क्या होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ऑटोमन सीजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ऑटोमन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मीन्स 21st March को क्या होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा और सदर्न हेमिस्फीयर पे उस टाइम पे ऑटोमन सीजन आपका चल रहा है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स होती है, मीन्स जहाँ समर, अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग सीजन है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, ऑटोमन सीजन होगा, अगर सदर्न हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग सीजन है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे
फिर उस टाइम पे क्या होगा, ऑटोमन सीजन हो जाएगा. दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स आर एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो डेज और नाइट होते हैं वो तो रोटेशन की वजह से होते हैं, लेकिन जो सीजन चेंज होते हैं वो हमारे रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं. मीन्स सन के चारों ओर जो अर्थ हमारी मूव करती है 365 डेज और 366 डेज, उसकी वजह से हमारे सीजन जो हैं वो पूरे साल भर क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लेसन इन योर होम. And thank you.